पर पुलिस ने 17 सितंबर को लांबड़ा में हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईपीएस बुल्लर ने बताया कि मृतिका का नाम गिरजा था तथा वह मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी। पुलिस ने बताया कि 16 सितंबर को गिरजा के घर समारोह में चारों आरोपी भी आए थे तथा मौका देखकर उन्होंने गिरजा के साथ गैंगरेप किया तथा बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि इस हत्या के पीछे जमीनी लड़ाई बताई जा रही है। पकड़े गए चारों आरोपी भी बिहार के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सतारा तरीक नू थाना लांबड़ा दे एरिए दे विच एक मर्डर रिपोर्ट होया सीगा। गिरजा नाम दी लेडी बारे उहदे हसबेंड अपने दे लड़के दे बयान ते परचा दर्ज किया गया सी। उहदी डेड बॉडी मिली सीगी खेतां दे विच ड्रैग कीती हुई और बुरी तरह सिर दे ते उत्ते मूँह दे उत्ते सट्टां सीगियां। सो उहदी बड़ी बरीकी नाल तफतीश करदे हुए DSP साहब करतारपुर ते SHO लांबड़ा इहनां दी टीम ने 4 बंदियां नूं अरैसट किया और मर्डर जिहड़ा ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किया। इहदे च इक गल बड़ी सनसनी खेज ये आ कि यह सामने आई है कि 4 बंदियां ने रल के उहदे नाल रेप भी किया लेडी नाल मर्डर तो पहला। तो उहदे च जिहड़ा मोटिव सामने आया कि गिरजा जिहड़ी मरन वाली लेडी उहनां दे घर कोई फंक्शन सीगा उत्थे अनइनवाइटिड बंदे आए। इहनां नूं उहनां ने किसी तरीके नाल टोकता कि तुसीं शराबी भी हो तुहानूं बुलाया भी नहीं। उस गल दी इन्होंने खुंदक रखी। थोड़ी दूर जाके ये गिरजा जिहड़ी मरन वाली मृतक दी फैमिली दी एक गां रखी हुई सीगी उहनूं खोल के वह उहनूं चोरी करके ले जाना चाहुंदे सीगे। उत्थे कुदरती वह लेडी बेचारी मौके दे उत्ते आ गई पट्ठे वगैरह पाउण। उहनूं देख के उहने ये घबरा गए। इहनां नूं लग्गिया कि हुण साडी गल जिहड़ी बिल्कुल नंगी हो जूगी क्योंकि शराबी पहलां सीगे 2 जणे इहनां चों। बाकी जिहड़े दूजे सीगे उन्होंने फिर इस गल दे विच जिहड़ा लेडी नूं फड़ के उहदे नाल गैंग रेप किया ते जो इन्हां दी इंटरोगेशन मुताबक आया। और उस तो बाद उन्होंने पत्थर मार मार के उहदा एक नेजल बोन नक्क दी हड्डी ते सिर जिहड़ा उहदे डैमेज कर दिता। उहदी डैथ हो गई ते उत्थों उहदे कुछ आर्टिकल दे नाल लै के उत्थों फरार हो गए। जिहड़ी पुछगिछ तो गल आई है कि सारे बिहार दे रहिण वाले ने माइग्रेंट्स ने और इह परिवार जिहड़ा मृतक दा तकरीबन 10-12 साल हो गए इत्थे आ चुक्या सी पंजाब 'च। और इन्हां दी पहलां भी बिहार दे विच आपस 'च जमीनी लड़ाई दा झगड़ा चलदा और इन्हां ने भी आपस 'च फैमिली दे विच सारे रिश्तेदार ने मतलब नॉट डायरैक्टली आपां कह सकदे हां बट घरां दे विच्चों जिवें रिश्तेदारी हुंदी है उस तरह मुलजम ते मृतक। नहीं मेन मोटिव तो यह सीगा कि खुंदक खा गए और गां चोरी तो जो फड़े गए उस तो बाद नीयत बदनीत हो गई इन्हें रेप कर दिता फिर इन्हें मारिया इस करके कि साड़ी सारी गल जिहड़ी है इहदा खुलासा ना हो जाए क्योंकि बंदे आइडेंटिफाई हो गए। इन्हां दे घरां दे विच्चों इको पत्ती दे बंदे है पिंड दे विच ते जिवें घर दे विच इक आपां कह दिंदे कोई डायरैक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है पर फैमिली दे विच्चों मतलब दूर दराडे की रिश्तेदारी कह सकते हैं। हाँ जी ये पेश किए गए जी एक्सट्रा जुडिशल कन्फेशन राही क्योंकि सानू वॉन्टेड सीगे तो किसी रिस्पेक्टेबल ने आके पुलिस ऑफिसर नू पेश किए। यार अजे तक देखो 2 बंदियां दी गल क्लीयर हुई है बाकियां ने अवेट किया सी पर वो असी होर डीपली इनू प्रूव कर रहे हैं। बाकी मेडिकल रिपोर्ट ना करबरेट करके उस हिसाब का चलान आपां पेश करांगे।